तो जैसे कि गाइस यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है, यहाँ पर फॉरेनर लोग डेली आते, तो इनसे नाइंसाफी होती है, फॉरेनर लोग के साथ ये लोग का पैसा ले लेते हैं। ये देख सकते हो फॉरेनर, हाय हाय हेलो। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं दुनिया का सबसे बड़ा देवी घाट, क्योंकि माँ लक्ष्मी में है दुनिया का सबसे बड़ा। गाइस आपको मैं बैक साइड से बताता हूँ, ये देख सकते हो हर तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े, हर जगह बोले ना कितना बड़ा एरिया है ये, हर तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े। यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा, कपड़े बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है यहाँ पर, जैसे मर्द हो गया बहुत सी पिक्चर का शूटिंग हो गई है। और ये देख सकते हो ये फॉरेनर लोग, जो कि अभी अभी हम यहाँ से जाएंगे नीचे, तो चलिए गाइस अभी फटाफट जाएंगे अभी हम पर पिक्चर का ही याद है। और फॉरेनर लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पर शूट वगैरह करने के लिए। और ये देख सकते हो यहाँ से एंटर होना है, ये धोबी घाट के अंदर का रास्ता। ये देखो हर तरफ सिर्फ कपड़े ही कपड़े, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो कैसा मशीनें चल रही है कपड़ों की, वॉशिंग वगैरह सब हो रहा है, ये देख सकते हो पूरा काम चालू है सब, कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह हो रही है। काफ़ी महंगी महंगी मशीनें लगी हैं यहाँ पर पूरा, ये देख सकते हो ऊपर वगैरह भी कैसा है सब। यहाँ से कपड़े रिप्लेस होके फिर मार्केट में वापस जाते हैं। देखो आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, जो वीडियो देख रहा है कपड़ा धुल रहा हूँ है। तो गाइस यहाँ पर बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े मशीना है, सब लोग सब कपड़े, हर जगह देखो तो कपड़े ही कपड़े है, ये देख सकते हो आप हर जगह कपड़े ही कपड़े, ये जीन्स वगैरह सब, कितनी सारी जीन्स यहाँ पर धुलने के लिए आई है, सोचो कितना बड़ी मार्केट है ये कपड़ों की। अच्छा भाई साहब धोबी घाट, भाई साहब धोबी घाट से रिश्तेदारी से घूमने आए हैं। ये वॉशिंग मशीन है, कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन है देख सकते हो आप, ये देख कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन है, ये मशीन की आधे घंटा डालने के बाद ये मशीन पूरी कपड़ा धुल के निकलती है। कितना हाँ भाई कितना टाइम लगता है ये मशीन कपड़ा धुलने में, हाँ भाई कितना टाइम लगता है इसमें कपड़ा डालते, तो आधा घंटा, आधा घंटा में पूरा साफ करा जाता था, उसमें साफ नहीं करते। ये देख सकते हो भाई किस तरह से कपड़े उठाकर मशीनों में डाल रहे हैं, देख सकते हो ये वॉशिंग मशीन है, इसमें पूरा कपड़ा अच्छी तरह से धुल जाता है। कितने टाइम में हो जाता है भाई धुल के, हाँ अंकल कितने टाइम में हो जाता है धुलकर इसके अंदर कपड़े का वजह से, कपड़े के वजह से ज़्यादा गंदा रहेगा ना, 50 मिनट, 50 मिनट और सफ़ेद वाला, सफ़ेद वाला नहीं तो ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा तो 30 मिनट, 30 मिनट पूरा एकदम अच्छी तरह से धुल के निकल जाता है एकदम। इसके बाद में सुखाने की अलग मशीन, इसके अंदर सुखाने डालते हैं ये पानी खींचने की मशीन है, पूरा इसमें से पूरा पानी सुखड़ लेता है मेरा भाई, एकदम सुखड़ लेता है ना, तो उसके बाद फिर वो लोग धूप में सुखाने डालते, फिर जब जाके कपड़ा ऊपर जैसे देखिए ये देख सकते हो कैसा ऊपर कपड़ा सुखा रहे हैं सब, उस तरह से फिर सुखा देते तो कपड़ा एकदम दूसरी बार रिप्लेस अच्छी तरह से हो जाता है। मैं पूरा बता दूँ धोबी घाट, ये भाई भी वही कर रहे भाई, ये सॉरी अच्छा सॉरी ये किस चीज़ की मशीन है भाई, ये किस चीज़ की मशीन है चाचा जरा बता दो, ये किस चीज़ चाचा बता दो जरा ये किस चीज़ की मशीन है, धुलाई वाली मशीन है, ये भी धुलाई वाली है। तो इसमें अगर कुछ कपड़ा वगैरह डालते कितना टाइम लगता है, 10-15 मिनट। फिर इसके बाद में सुखाने की अलग मशीन, सुखाने की कौन सी मशीन है ये, इसमें जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर ही वही है, इधर भी वही है, सेम मतलब सेम हर जगह मशीन है, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन है। ये मशीन का प्राइस तुम्हारे हिसाब से कितना कितना होगा, ये मशीन कितने तक आती होगी, हाँ नहीं ये मशीन
उतना महंगा 70-80 हज़ार का 70-80 दो लाख अढ़ाई लाख की मशीन है। ये सब बहुत महंगी महंगी मशीन है, ये देख सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ऊपर से शूट कर रहे थे, ऊपर फॉरेनर लोग आते फोटो शूट वगैरह के लिए, वो देख सकते हो अभी भी खड़े, जैसे कि मैं ऊपर से बताया। और उसके बाद ये सब कपड़े, ये देख सकते हो, ये पूरे कपड़े आते भाई, ये सब अभी धुलेंगे ना, पूरा धुलने के बाद फिर अच्छी तरह से सूखा वगा के फिर वापस चले जाएंगे रिप्लेस में। तो जैसे अभी ये भाई के पास जाते, भाई को पूछते, तो भाई ये जैसे कि ये कपड़ा सूखेगा, सूख कर फिर किधर जाएगा? धूप में सूखने के लिए। मतलब ये होटल का है क्या, घर का है? मतलब ये रिफ्रेश नहीं है, मतलब जैसे वापस रिप्लेस में सेलिंग पे जाता है बाहर बेचने के लिए, वैसा नहीं है? रेडीमेड का अलग, हाँ रेडीमेड का अलग कपड़ा रहता है और इसका अलग कपड़ा रहता है, ये होटल वगैरह के लिए। तो जैसे कि भाई ने बताया, ये होटल वगैरह के लिए कपड़ा है, और जो बेचने के लिए आता है वो भी कपड़ा अलग रहता है सब, वो अलग, उसके अलग, मतलब अलग जगह पर होता है, ये थोड़ा अलग जगह पर होता है। इसमें पूरा सूख जाता है, देखो ये देख सकते हो, ये पूरा निचोड़ जाता है एकदम अच्छी तरह से, एकदम इसमें से पानी निकल रहा है। तो जैसे कि भाई का ये पूरा ऊपर का घर है, ये देख सकते हो यहाँ पर पूरे कपड़े धूल वगैरह के हो गए। हाँ भाई, ये पूरे यहाँ पर कपड़े सूखते ना भाई, है ना? यहाँ पर मतलब क्या, ये सब कंपनी, ये कंपनी के वापस बेचने के लिए जाते, ये रिवर्स होके वापस जाएंगे शोरूम में, मतलब वॉश होके वापस चले जाएंगे शोरूम में, जिससे दागी वागी रहता है डिस्प्ले पे लगा, डिस्प्ले पे, अच्छा दाग धब्बा हो जाता। तो जैसे कि गाइस, जैसे कि ये पूरे शोरूम के कपड़े ये वॉश होके वापस जाते रिप्लेस में, वापस फिर मार्केट में सेल होने के लिए जाते। और ये भाई, तो भाई कितना, मतलब फिर भी आप कितना पैसा मिल जाता है? जितना पैसा मिलेगा। अच्छा, और यहाँ पर खाना पीना मतलब घर पर जाते हैं यहाँ पर ही बनाकर खाते हैं, इधर ही खाने का? अच्छा, और सोना होना सब पैसा देना पड़ता है 10 रुपया पूरा, एकदम जैसा बोले ना गाइस एकदम सब। तो कैसी कैसी इसमें कैसी कैसी गली, हर जगह से छोटी छोटी सब जगह कपड़े सूख रहे। पर वो हमारा भाई भी शूट कर रहा है, ये देख सकते हो। हाँ भाई, यूट्यूब पर, यूट्यूब की वीडियो है। हाँ, ये देखो, ये पूरे वॉश वगैरह होते हैं कपड़े, काफी बोल रहा हूँ ना मैं, बहुत बड़ी मार्केट है कपड़े की, ये हर जगह यहाँ पर बहुत बड़ा धोबी घाट है, ये पूरे कपड़े रिप्लेस में आते हैं यहाँ पर, फिर ये मार्केट में भी जाते हैं और होटल वगैरह के लिए, वॉशिंग वगैरह के लिए आते सब कुछ। भाई का कहना है कि काम करो तो डिस्टर्ब मत करो, भाई का नाम पूछा तो भाई ने बोले भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये देख सकते हो भाई कैसा काम कर रहे, बहुत मेहनत लगती है भाई ये कपड़ों में, जैसे ये देख सकते हो काफ़ी बड़ी मेहनत लगती है गाइस, एकदम पेट के लिए इंसान है ना गाइस, हर बार वो इंसान कुछ भी करने के लिए रेडी होता है सब कुछ। ये देख सकते हो पूरा कपड़े, वो लोग खा पी के गाइस यहाँ पर ही सोते, देख सकते हो भाई कैसा सोए चढ़िया, तो मैं भी ऊपर से बताता हूँ ये भाई साहब कैसा सोए है। ये पूरा मंजर देखो भाई धोबी घाट का, ये ऊपर रहने के लिए भी बनाए लिए और कपड़े सुखाने के लिए भी बनाए है, ये देख सकते हो भाई, ये भाई कैसा सोए है गाइस, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल रहता है मुंबई की लाइफ में। और ये भैया, भैया कहाँ से आप, कहाँ का चाहिए आपको, कहाँ से हो आप? आजमगढ़। आप भी आजमगढ़ से हो? हाँ। वो भाई भी आजमगढ़ से, मैं तो हूँ कर्नाटक का। अच्छा, देख सकते हैं गाइस कैसा पानी भर रहे, बनता है भाई वीडियो जो चल जाता थोड़ा बहुत, देख सकते हो रहना खाना कभी से रहेगा तो दे देता है। और अंकल, रहना खाना कैसा होता
मतलब घर पर जाते हो क्या? सब यहाँ पर ही ये घर, मतलब देखो ये घर में अंकल खाना वगैरह सब खाना पकाते हैं। ये देखो ये मशीन वगैरह सब कपड़े सूख रहे हैं। देखो पूरे कपड़े प्रेस होते हैं यहाँ पर, खाना पीना सोना सब यहाँ पर ही होता है गाइस इनका सब। तो काफ़ी मेहनत करते हैं अंकल। अंकल कितने साल से कर रहे हो आप ये? हाँ अंकल, हाँ अंकल कितने साल से कर रहे हो आप ये? ये हाँ ये तो यार बहुत साल हो गया। मतलब तुम्हारे अंदाज़ा 20-25 साल? हाँ। तो अंकल जैसे कि बोले 20-25 साल हो गए अंकल को ये सब करते हुए। गाइस बहुत मेहनत करना पड़ता है। और वो भाई इसी वीडियो में देख के मुस्कुरा रहे, भाई से थोड़ा क्वेश्चन आंसर पूछते। भाई कहाँ से हो आप? यूपी? भाई तुम भी यूपी से? यूपी में कहाँ से हो? इलाहाबाद। तो आप भी यहाँ पर काम ही करते हो, ऐसे आए हो? तो आप क्या काम करते थे? हाँ इलेक्ट्रिशियन। भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करते, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिशियन का काम करते। अच्छा ये मशीन का मतलब मशीन वगैरह रिप्लेस करते, पैनल मशीन वगैरह पैनल का काम करते भाई ये सब, मोटर वगैरह सब ए टू जेड बोले ना मशीन का सब। मगर इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, कुछ ख़राब हो जाता है तो भाई रिप्लेस के लिए मतलब यहाँ पर ही रहते। वो यहाँ पर ही रहते हो ना भाई? मतलब शॉप पर रहते हो, अगर कुछ ख़राब हो तो आप यहाँ पर आते हो। तो भाई का कहना है आप मतलब फिर भी इधर इधर का मतलब यहाँ मशीन वगैरह का बनाने का कितना रुपये मिल जाता है अंदाज़ा तुम्हारे हिसाब से? मतलब जो जैसा पार्ट्स खराब हो गया वैसा मिल जाता है? ठीक है भाई। क्या नाम है भाई आपका? तस्लीम। तस्लीम भाई का नाम है। ऐसा लग रहा है गाइस मुंबई में यूपी के बहुत लोग ज़्यादा हैं, यूपी के बहुत लोग हैं गाइस, बहुत हर जगह यूपी के लोग हैं सब यहाँ पर। तो धोबी घाट में ए टू जेड सब सब बोले ना सब झारखंड और यूपी के सब। आप भाई कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? आपका गाँव? मुंबई वाला। ये भाई मुंबई के, बस ये भाई निकले बस मुंबई के, बाकी मैं जिससे पूछा तो सब झारखंड और यूपी के ही बता रहे हैं। तो जैसे कि ये दीदी, दीदी कितने साल से काम कर रहे हो आप? 9 साल। मतलब पूरा सब ये ही मतलब करना है ये सब? मतलब सब आते हैं, शर्ट मतलब सब प्रेस में सब आता है आपको? अच्छा, धो के इस्त्री करके, मतलब पूरी बिल्डिंग वगैरह के, बिल्डिंग वगैरह का पूरे कपड़े आपके पास आते हैं इस्त्री करके, फिर वापस आप इस्त्री करके एकदम अच्छे से न्यू जैसा बना के वापस घर पर ड्रॉप करते हैं क्या? लेने आते, लेने आते क्या? आप लेके जा के देते हो? लेके जाएगा। अच्छा तो कितना रुपये मिल जाता है दीदी आप? कितना पैसा मिल जाता है दीदी आपका? अरे हाँ 100 रुपया एक एक प्रेस का। तो जैसे कि एक 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 ड्रेस का, जैसे कि सॉरी एक ड्रेस का दीदी को 100 रुपया मिल जाता है, तो सोच सकते हो आप दीदी भी कितना कमाते होंगे। और यहाँ पर देख सकते हो आंटी शर्ट। आंटी क्या कर रहे हो आप ये? देखो ये बटन काट रहे, धागा काट रहे हो और बटन लगा, धागा काट रहे हो और बटन, मतलब ये मतलब अभी बटन लगा के शॉप वगैरह में जाएगा क्या? शॉप हो गया, अभी ये प्रेस होगा, प्रेस होकर पैकिंग होगा, फिर मार्केट में जाएगा बेचने के लिए। तो कहाँ से हो भाई आप? मतलब अरे धोबी का। अच्छा मैं मतलब मुंबई से ही हुआ क्या? आपका गांव वगैरह है सब यूपी में? अच्छा सर आप भी यूपी के ही हो? जैसे कि मैंने बताया था गाइस सब यूपी के हैं यहाँ पर, पूरा ए टू जेड धोबी घाट पूरा यूपी से भरा हुआ है। आंटी एक 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 शर्ट का कितना रुपया मिल जाता है आंटी? 2 रुपया। जैसे कि एक शर्ट का 2 रुपया मिल जाता है, तो दिन में कितना कर लेते हैं आंटी आप? 100 पीस कर लेते हो? अच्छा तो हाँ क्या बोल रहे हो आंटी? अच्छा वो टैग भी लगाना पड़ता है, ये भी लगाना है, ये भी बंद करना है। हाँ मतलब वो टोटल पूरा एक एक शर्ट बनाने का 2 रुपया? हाँ। तो दिन में आप 100 बना लेते हो? हाँ। तो जैसे कि गाइस देखिए आपने आंटी एक प्रेस मतलब एक शर्ट का 2 रुपया लेते, तो दिन में आंटी 100 शर्ट तो बना ही देते, तो सोच सकते हो आप कितना पैसा मिलता होगा। बहुत मेहनत लगती है गाइस, ऐसी हलवा नहीं देते हर चीज़, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब जाके 2 पैसा बचता है। तो चलते हैं अभी आगे का भी देखते हैं फिर। तो जैसे कि अब्दुल भाई, तो फाइनली गाइस मैं यहाँ का मालिक हूँ और 500 करोड़ डेली का कमाता हूँ, जो करना है करो। तो जैसे कि गाइस धोबी घाट के बाहर निकल चुके और दोस्त लोग चाय पी रहे थे, तो मैं तो चाय नहीं पीता हूँ। और यहाँ की इनकम सुनेंगे ना, सॉरी गाइस यहाँ की इनकम सुनेंगे ना, तो आप सालाना 100 करोड़ की इनकम होती है गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया मर्द पिक्चर की कुछ टैग लिए थे यहाँ पर, बहुत पुरानी पिक्चर है जो कि वो पिक्चर हिट भी गई थी,